दोस्तों, तैरना सबसे स्वस्थ खेलों में से एक है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। हालांकि खुले समुद्र में तैरना शायद उतना अच्छा विचार नहीं है। जब आप तैरना चाहते हैं तो स्विमिंग पूल ढूंढना बेहतर होगा या तट के करीब रहें। सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में आपको हम समुद्र में तैरने वाले 5 सबसे खतरनाक समुद्री जीव के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियो आप आसानी से देख पाएं। फायर कोरल, जेलीफिश और एनीमोन से काफी निकटता से संबंधित ये छोटे जीव अपने अदृश्य स्पर्शक के साथ एक दंत दे सकते हैं जो आपको जलन और गंभीर दर्द दे सकता है। यदि आप कभी भी समुद्र में तैरने जाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप फायर कोरल के आसपास नहीं हैं। सी स्नेक, समुद्री सांप इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशंस में पाए जा सकते हैं। वे अधिकतम 4 से 5 फीट की लंबाई तक पहुंच सकते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां 10 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकती हैं। समुद्री सांप आक्रामक जानवर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों के जहर में विषाक्तता की मात्रा के कारण वे सबसे खतरनाक समुद्री जीवों की सूची में हैं। स्टिंगरे, स्टिंगरेज महासागरों में अधिक निष्क्रिय जीवों में से एक हैं और शायद ही कभी हमला करते हैं। स्टिंगरे की अधिकांश घटनाएं तब होती हैं जब डाइवर्स और स्विमर्स गलती से उन पर कदम रख देते हैं, जिससे स्टिंगरे अपने स्टिंग का उपयोग करके अपना बचाव करता है। स्टोनफिश, अपने छोटे आकार 12 इंच तक के बावजूद इसे अस्तित्व में सबसे जहरीली मछली माना जाता है। इसका छलावरण वाला शरीर इसे पानी के नीचे की चट्टानों के बीच पूरी तरह से छिपा कर रख सकता है, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाता है। यह पृष्ठीय पंख है जिसके बारे में आपको चिंता करनी है, जो जूते के माध्यम से छेदने के लिए काफी तेज है, इसलिए अपना कदम देखें। ब्लू रिंग ऑक्टोपस, लंबाई में 8 इंच से अधिक नहीं बढ़ रहा है। यह सेफलोपोड छोटे केकड़ों और झींगा पर फीड करता है, फिर भी मानव को मारने के लिए पर्याप्त जहर है। वास्तव में उनके पास कुछ ही मिनटों में लगभग 30 मनुष्यों को मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।